उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा 10 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो रही है और इस बार चार धाम यात्रा को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन पुख्ता इंतजाम करने की कवायद में जुट गया है। इसी क्रम में नागरिक उड्डयन विभाग ने भी हेली सेवाओं से संबंधित तैयारी पूरी कर ली है और इसके साथ ही पहली बार बद्रीनाथ धाम के लिए भी हेली सेवा शुरू होने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। इस साल पहली बार बद्रीनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं का संचालन शुरू होने जा रहा है ताकि बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी हेली सेवा का लाभ दिया जा सके। 10 अप्रैल से हेली सेवाओं की बुकिंग शुरू हो जाएगी। पिछले साल यात्रा के दौरान 8 हेली ऑपरेटर्स की ओर से हेली सेवाएं दी गई थी, लेकिन इस बार 9 हेली ऑपरेटर्स श्रद्धालुओं को हेली सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हालांकि इस साल हेली सेवाओं की दरों में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। प्रस्तावित किराए के तहत सिरसी से केदारनाथ धाम के लिए 2,886.45 रुपए तो फांटा से केदारनाथ के लिए 2,887.50 रुपए और गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम का किराया 4,063.05 रुपए किराया जो है वो श्रद्धालुओं को देना होगा। धाम यात्रा में विशेषकर केदारनाथ के लिए जो है शटल सेवाएं जो गुप्तकाशी सिरसी और फाटा से चलता है उसका जो है पूर्व में 8 ऑपरेटर्स थे, इस साल जो है 9 ऑपरेटर्स हैं, तो 9 ऑपरेटर्स के माध्यम से सेवाएं दिया जाएगा। उसका जो है जो पूर्व में जो रेट था वो टिकट रेट इस वर्ष 5% बढ़ोतरी होगी। और हेमकुंड साहिब का जो है एक ऑपरेटर के माध्यम से सेवाएँ दिया जाएगा, उसमें जो है पहली बार एक गौचर से बद्रीनाथ का भी जो है सेवाएं दिन में जो है 3 घंटे देने का जो है प्रावधान रखा गया है, वो भी इस साल शुरू होगा। बाकी जो चारों धाम के लिए जो फ्लाई करने का जो ऑप्शन है वो जो है चार्टर सेवाएं में होती है, उस पर हम लोग रेट निर्धारण नहीं करते हैं, वो प्राइवेट ऑपरेटर्स के माध्यम से सीधे जो है बुकिंग होता है। बाकी जितना जो शटल सेवाएँ के जो सुविधाएँ हैं वो IRCTC का जो वेबसाइट है वो उसके माध्यम से। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं। ऐसे में साल गोविंद घाट से घांघरिया तक हेली सेवा का संचालन 25 मई से शुरू हो जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी हेमकुंड साहिब में एक ऑपरेशन के द्वारा हेली सेवा का संचालन किया जाएगा। उकाडा के CEO श्री रविशंकर भी कह रहे हैं कि सीजन बद्रीनाथ धाम में हेली सेवा के रिस्पांस को देखते हुए अगले सीजन फुल टाइम हेली सेवा शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। पिछले साल की तरह इस साल भी हेली सेवाओं की बुकिंग IRCTC के जरिए होगी। तो है जैसे ये जो टिकट बुकिंग है वो IRCTC का वेबसाइट के माध्यम से होता है। जो केदारनाथ के लिए जो जितने भी लोग जागरूक हैं, जो लास्ट ईयर भी जो है काफी मात्रा में बुकिंग हुई थी, तो इसलिए सभी लोग उस वेबसाइट को तो अप्रोच करेंगे ही। उसी वेबसाइट में जो है हमारा बद्रीनाथ का भी टिकट्स उपलब्ध है और हेमकुंड साहिब का भी उपलब्ध है करके उसमें दिख जाएगा। तो उससे जो है क्या रहेगा कि जितना भी जो करीब 1.5 लाख के आसपास लोग फ्लाई करते हैं केदारनाथ के लिए, तो उतने लोग जो है इसका भी देखेंगे और जो इंटरेस्टेड हैं वो भी यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। शासन स्तर पर चार धाम यात्रा करने वाले यात्रियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें से हवाई सेवा भी एक अहम सेवा है। अब देखना होगा कि विकास के प्रयास आखिर कितना सफल साबित हो पाएंगे। आराध्य टीवी के लिए देहरादून से सोनू सिंह की रिपोर्ट।